नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हमसे एक ही सवाल पूछते हैं। आज मैं उसी सवाल का जवाब देने वाला हूँ। हमारे व्यूवर्स हमसे सवाल पूछते हैं कि क्या जब पति और पत्नी दोनों सहमत है तो घर बैठे स्टम्प पेपर पे नोटरी करा के डाइवोर्स ले सकते हैं या नहीं, क्या यह इस प्रकार का डाइवोर्स वैलिड होगा या नहीं, और क्या इस प्रकार के डाइवोर्स के बाद दूसरा विवाह किया जा सकता है या नहीं। मैं आज आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूँ कि जब पति और पत्नी सहमत है तो क्या घर बैठे स्टम्प पेपर पे नोटरी करा के डाइवोर्स ले सकते हैं या नहीं, और क्या ये वैलिड होगा या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस टॉपिक पे पहले ही वीडियो बना चुका हूँ कि क्या आपसी सहमति से घर बैठे स्टम्प पेपर पे नोटरी करा के पति और पत्नी डाइवोर्स दे सकते हैं या नहीं, और क्या यह मान्य होगा या नहीं। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। जब पति और पत्नी दोनों सहमत हैं और स्टम्प पेपर पे डाइवोर्स देना चाहते हैं नोटरी करा के, तो ये डाइवोर्स मान्य नहीं होगा, इस डाइवोर्स को वैलिड नहीं माना जाएगा। और यदि पति और पत्नी सहमति से घर बैठे स्टम्प पेपर पे नोटरी करा के डाइवोर्स दे लेते हैं तो यह वैलिड डाइवोर्स नहीं माना जाएगा, और ऐसा माना जाएगा कि डाइवोर्स हुआ ही नहीं है और दोनों पति पत्नी अभी भी है। यदि स्टम्प पेपर वाले इस डाइवोर्स के आधार पे कोई पक्षकार बाद में विवाह कर लेता है और कोई कंप्लेन कर देता है तो उसे जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि आईपीसी सेक्शन 494 में यह कहा गया है कि पति या पत्नी के जीवित रहते यदि कोई दूसरा विवाह कर लेता है बिना उसे डाइवोर्स दिए तो यह एक अपराध होगा और इसमें 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। क्योंकि डाइवोर्स वैलिड नहीं होगा और यह समझा जाएगा कि अभी भी वे दोनों पति पत्नी है, और यह लगेगा उन दोनों में से किसी को कि मैंने तो डाइवोर्स ले लिया है आपसी सहमति से स्टम्प पेपर पे, लेकिन कानून की दृष्टि से यह डाइवोर्स वैलिड नहीं होगा और इस डाइवोर्स के आधार पर यदि आप विवाह कर सकते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। यदि पति और पत्नी दोनों राजी है डाइवोर्स के लिए तो उन्हें वैलिड डाइवोर्स के लिए कोर्ट में जाना होगा और कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन देना होगा म्यूचुअल कंसल्ट से डाइवोर्स अर्थात आपसी सहमति से डाइवोर्स देने के लिए। उसके बाद कोर्ट के प्रोसेस के बाद ही उन दोनों को डाइवोर्स मिल सकता है और उसके बाद वो दूसरा विवाह कर सकते हैं, तब जाके उन्हें किसी प्रकार की कोई कानूनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो में बताया है कि पति और पत्नी किस प्रकार से आपसी सहमति से डाइवोर्स ले सकते हैं, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो में आपने जाना कि यदि पति और पत्नी सहमति से घर बैठे स्टम्प पेपर पे डाइवोर्स देते हैं तो ये वैलिड नहीं होगा, और इस प्रकार के डाइवोर्स के आधार पे यदि कोई दूसरा विवाह करता है तो यह विवाह मान्य नहीं होगा और विवाह करने पे उसे जेल भी हो सकती है, क्योंकि आईपीसी सेक्शन 494 में बिना पति या पत्नी के डाइवोर्स दिए उसके जीवित रहते दूसरा विवाह करने पे सजा का प्रावधान किया गया है। यदि पति और पत्नी सहमति से डाइवोर्स देना चाहते हैं तो उन्हें कोर्ट में जाना होगा और कोर्ट के प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही वो वैलिड डाइवोर्स दे सकते हैं और फिर दूसरा विवाह कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो वो सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। यदि आप हमसे फोन पे बात करके कोई परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पे वीडियो में बताया गया है कि आप किस प्रकार से हमसे फोन पे बात कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।